उन्नाव से अनमोल श्रीवास्तव बयूरो चीफ की रिपोर्ट। संदिग्ध हालत में महिला का फंदे से लटकता मिला शव। उन्नाव शहर के किला चौकी अंतर्गत पुरानी बाजार मोहल्ला में रहने वाली एक विवाहिता ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर मंगलवार देर रात घर फांसी लगा ली। देर रात पति कमरे में पहुंचा, जहां उसका शव फंदे से लटक रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल की, जहां पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें विवाहिता ने अपना दर्द बयां किया। वहीं माए के पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी बाजार मोहल्ला निवासी मोहित गुप्ता की 7 साल पहले कानपुर के महाराजपुर गांव निवासी आराधना गुप्ता 27 के साथ शादी हुई थी। मोहित गुप्ता शहर के गदनखेड़ा स्थित शराब ठेका पर कैंटीन में काम करता है। मंगलवार देर रात मोहित के घर पहुंचने पर आराधना का साड़ी के सहारे फंदे पर शव लटकता मिला। शव देख पति मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की जानकारी पुलिस व ससुराली जनों को दी गई। सुबह ससुराली जन भी पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी कि तभी पुलिस को महिला के पास से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने पति की प्रताड़ना से तंग आकर यह कदम उठाया है। इनसेट सुसाइड नोट में किया अपना दर्द बयां। सुसाइड नोट में मृतका ने लिखा कि हमारी मौत का जिम्मेदार मेरा पति है। वह हमें दारू पीकर रोज मारता है। वह सुबह शाम से रात तक दारू पीकर आता है। हमारी और हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब हम जीना नहीं चाहते और मरने जा रहे हैं, और हमारी मौत का जिम्मेदार हमारा पति है। यह कहकर आराधना ने मौत को गले लगा लिया। इनसेट बेटी को लेकर चिंतित रही मृतका। फांसी लगाने से पहले मृतका ने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी बिटिया को मेरे पति को ना दिया जाए, चाहे मायके में या फिर किसी और को दे दिया जाए जो बेऔलादल हो। इनसेट मम्मी पापा इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। मृतका ने रो रो कर सुसाइड नोट में अपनी आप बीती बताई, जिस पर उसने लिखा कि पति ने मुझे मरने के लिए मजबूर किया है। जिस तरह से हम तड़प तड़प कर मरने जा रहे हैं, वैसे इसे भी तड़पा तड़पा कर सजा दी। मम्मी पापा मुझे इंसाफ दिलाना और मेरे पति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना। इनसेट बेटी को पुलिस बनाना चाहती थी मृतका। मृतका ने 5 साल पहले बेटी को जन्म दिया था और उसे पुलिस बनाना चाहती थी। उसके लिए वह खुद उसे पढ़ा लिखा रही थी, लेकिन पति की आए दिन की प्रताड़ना के चलते उसने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि हम अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अफसोस हम अपनी बिटिया के साथ नहीं रह पाए। हमारा सपना अपनी बिटिया को पुलिस बनाना था। बुआ अपनी मम्मी का सपना जरूर पूरा करना, हमें माफ कर देना, हम तो बस तुम्हारे लिए जी रहे थे। यह लिखकर उसने मौत को गले लगा लिया। क्या नाम है सर? राजेश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? महाराजपुर। क्या बात हुई है? बस बेटी को मार दिया। किन लोगों ने मारा? दबाद में। कैसे पता चलाएगा? बाबा फोन आया था। आप कहाँ थे? महाराजपुर में। जब आप आए तो क्या पता चला? हमें देखा कि लड़की हुई थी, अब मोहित बगल में बैठा हुआ था और कोई नहीं था। गले में निशान है, पूरे मुंह से खून निकल रहा है। तो क्या लगता है आपको? गला तलाक मारा गया, कोई झगड़ा भी किया है? पहले भी झगड़ा, हमेशा झगड़ा होता था, नशे में आता था, हमेशा झगड़ा होता था। क्या आए तो पैसे मांगे हैं, दिए भी हैं। 3-4 बार लड़की के लेके भी आए, हम वापस आ गए अपने घर ले गए। फिर ये हुआ कि चलो भेजो। क्या नाम है? मुकेश कुमार गुप्ता। क्या ये हुआ? ये था कि लोगों का रोज डेली झगड़ा होता था, जैसे शादी हुई तो फिर झगड़ा हो ही रहा लगातार। ये दारू पी के आता है, एक तरीके से फ्लाइटी करता है, लेकिन रोज मामला सॉर्ट आउट हो जाता था। लेकिन कल रात ये बाहर सड़क पर बैठ तो उसको अंदर भेजेंगे लिए हमसे कहा गया, तो हमने कहा जाओ अंदर, तो ये गया नहीं अंदर। उसके बाद जब मैं भी चला गया अपने कमरे में सोने के लिए, भाई अलग अलग रहते तो वहाँ रुके नहीं हम। उसके बाद उसकी बिटिया आई, छोटी वाली बिटिया आई, उसने कहा कि बड़े पापा चलिए, पापा बुला रहे हैं। तो हमने देखा जा करके अंदर, तो वो बेड पर लेटी हुई थी। तो क्या लगता है कैसे मारा गया? ये मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ है, क्योंकि मैं उस समय मौके पर, भाई उस समय तो नहीं था, भाई दूसरे कमरे में कैसे घुस जाऊंगा मैं। और कूलर इतनी तेज चल रहा था कि मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दिया कहाँ क्या हुआ। कब की वारदात है ये? कल रात को 12 बजे के आसपास की है। सुसाइड नोट मिला है? हाँ, सुसाइड नोट मिला। क्या लिखा उसमें? उसमें यही लिखा हुआ है कि हमारे अपने पति की वजह से मैं अपनी जान देने जा रही हूँ, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये रोज मुझे शराब पी करके मारता और पीटता था और काफी प्रताड़ित करता था। पुलिस को दी है? नहीं, हमने
अभी कोई सूचना दी नहीं है अपनी तरफ से। घटना की क्या जानकारी है? तो उसकी बेटी से बात हुई थी तो बता रहे पापा मारे हैं। जब आप लोग पहुंचे क्या दिखा था, कैसी थी? अब तो बॉडी लेटी हुई थी, अब मुंह से ब्लड आया था। जब बिटिया जब जगी है तो पूछा गया तो वो बता रही पापा ने मारा, दारू पीते हैं अभी हमको नहीं मारते हैं, ऐसी जानकारी है। लोगों को बताइए अब वो तो रहते हैं, मान लो सात सात परमानेंट हो रहे हैं।